आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ऑफिस में है और हमारे सामने में बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष श्री गिरीश पटेल जी, जो शुरू से ग्रास रूट, उन्हें कहा जाता है ग्रास रूट, हर झोपड़ी से लेकर बिल्डिंगों तक काम करते हैं। कोई भी झोपड़ी बस्ती वाला आता है, कोई भी समस्या हो तो गिरीश भाई आप पहले खड़े होते हैं और भी काम कराते हैं। संबलपुर शहर एक समस्याओं के घेरों में पड़ा हुआ है, जहाँ देखिए कचरे, रोड, नाली, कोई उसके देखभाल नहीं, कोई सुनना नहीं, लोग परेशान है, कंप्लेन करने से कोई सुनने वाला नहीं। ओके गिरीश भाई, हमेशा लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सर अभी कुछ दिन लेबर जिस तरह कहा जाता है, आप उनके वेल विशर हैं, मसीहा भी हैं, उनके हर काम लेबर वालों के लिए आप करते हैं। आज वो जो लेबर कार्ड के लिए जब ऑफिस जाते हैं तो उनके साथ एक घटना होती है, ऑफिसर जो मनमानी करते हैं, तो सुनने में बहुत कुछ है, तो इसके बारे में बताइए। पहली बात सफाई का बारे में, हमने 2-3 दिन पहले गए थे कमिश्नर के साथ, हमने डिस्कशन किया है और हमने तो डायरेक्ट कहा है कि जो सभी अभियान में जो लगा हुआ है, जिसको आप ठेका दिए हो, वो बहुत एलिगेशन कर रहा है म्यूनसिपाली के ऊपर में, उसको साथ ही साथ विदा करना चाहिए। तथा जो लोग यहाँ पे लेबर का काम कर रहे हैं, जो उस जगह में जो लेबर है ठेकेदार आने से वही लेबर से काम करवाता है, उसको 20 दिन का हिसाब से तो म्यूनसिपाली इंडिया में 20 दिन का उसको दे सकते हैं, उसको डायरेक्ट लगाओ, ठेकेदार का पैसा पीसी वगैरह सब बचेगा उसमें। बाकी लगा ये लेबर का जो बात है, मैंने सुना 2 दिन पहले पार्टी की एक कार्यकर्ता महिला नेत्री है, वो कुछ अपने हीरापुर से कुछ वर्कर को लेके डेलो ऑफिस में गई हुई थी लेबर कार्ड बनवाने के लिए। वो पहले भी गई थी, उसने पहले भी लेबर कार्ड बनवाया है, सोशल एक्टिविटीज से उसका लेबर का काम करती है वो, लेकिन आश्चर्य की बात है लेबर ऑफिसर में जो है नहीं, डेलो अभी कोई है नहीं, उसका इंचार्ज भी कोई असिस्टेंट लेबर ऑफिसर वहाँ पर है। और मजे की बात है, मेरे पास पूरा वीडियो है, उसका फोटो भी है, उसने वो 12 महिलाओं को कहा कि आप लोगों जो ईटा बाहर में पड़ा हुआ है ऑफिस के बाहर में, आप उसको ईटा को उठा के एक जगह रखिए अंदर में, अगर आपका काम ठीक लगेगा तो आपको लेबर कार्ड मिलेगा। मैं प्रशासन को पूछना चाहता हूँ, संभवपुर में बहुत हजारों हजार कार्ड लोगों ने बांटे हैं, तो सबसे ऐसा करवा के कार्ड बांटे हैं या किस हिसाब से उसने कार्ड बांटे हैं? मेरे नज़र में कल मेरी कलेक्टर महोदय से भी मेरी बातचीत हुई, कलेक्टर जी उस ऊपर में एक्शन लिए हैं, मैंने डिस्कशन किए हैं, कलेक्टर जी ने भी मुझे कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसको लेबर कार्ड देना है तो उसे मजदूरी कराया जाए फिर उसको लेबर कार्ड दिया जाए बोल के। पार्टी की तरफ से पूरा स्ट्रोंगली मैं उसका विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, जो महिला को उसको जो लेबर काम करवाया गया है उसको साथ ही साथ इमीडिएट उसको लेबर कार्ड दिया जाए। उसके साथ साथ जिलापाल महोदया, इस जो आदमी करवाए ये काम उसके ऊपर में संगे साथ उसका ऑफिशियली एक्शन लें, तब जाके ये लोग समझेंगे कि गरीब दुखी का जो सरकार जो विरोध में जो कर रहे हैं, लोगों काम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होता है बोल के। तो ऐसे ही चलते रहेगा, ये गरीब बेचारी हैंड तो बहुत, कोई लेबर कार्ड लेने के उसको अगर आप वहाँ पर ईटा उसको बोलोगे उठा के एक जगह से लेके दूसरा जगह ईटा रखो, उसके बाद में आपको लेबर कार्ड दिया जाएगा, संभवपुर में हजार हजार कार्ड दिया गया हुआ है, सबसे कम कर रहे थे क्या? सबसे कम कर रहे थे क्या? तो मेरा आपके माध्यम से प्रशासन को, जिलापाल महोदय को पूरा रिक्वेस्ट है, इस व्यक्ति के ऊपर में जो व्यक्ति गरीबों की जिंदगी के साथ में खेल खेल रहा है, जैसे उसका सेंटिमेंट के साथ में, उसका जो अपना निजित्व है महिला के साथ में, जो उसने जो घटना घटाई है उसका मैं घोर निंदा करता हूँ, उसको मैं जरूर पदक्षेप लेना चाहिए। चलिए थैंक यू सर। सर उस आदमी का नाम कुछ मालूम है सर जिसने? कोई मिस्टर साहू है, बस बोल रहे थे अभी इंचार्ज है वहाँ पे कोई, अभी तो डेलो तो नहीं है, डेलो का बदली हो गया है, तो उसका जगह वो डेलो देखो में है। कलेक्टर महोदय को कहने के बाद में कलेक्टर महोदय ने ADM साहब को दायित्व दिया था, और कल कुछ महिलाएं भी जो विक्टिम है वो सब कल महिलाएं भी आई हुई थी वहाँ पे, कलेक्टर के ADM साहब ने उसके साथ बातचीत भी की है, बस बात घूम फिर के वही आ जाता है बाबूराज का, तो मुझे संदेह है उसको बात तो ये क्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे कलेक्टर महोदय स्पेशल इशू पर ध्यान देना चाहिए। चलिए थैंक यू। अभी हमने सुना गिरीश भाई से, क्योंकि हमने पहले भी कहा वो ग्रास रूट के आदमी है, लेबर के आदमी है, और हमेशा जब भी कोई लेबर पर अत्याचार कुछ भी होता है तो गिरीश भाई खड़े हो जाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं, हम भी धन्यवाद देते हैं, इसी तरह करते हैं कम से कम लेबर लोगों को इंसाफ मिलता रहेगा, और हम भी प्रशासन कहेंगे जो ये साहू बोल के ये कार्यक्रम कर रहा है उसके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि दोबारा कभी नहीं करे। आज तक तो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं कि जो लेबर कार्ड आएगा तो पहला
माना तो पहले अपना एग्जाम देगा। लेबर तो कई प्रकार के होते हैं, खाली इटा वाले को लेबर नहीं बोला जाता, हर कार्यक्रम में भी लेबर होते हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।